गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिंपल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का फर्स्ट लेसन अपने स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर के जो इसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, उन मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानकारी ले चुके थे। उसके बाद में कल से मैंने स्टार्ट लेसन को पढ़ना भी स्टार्ट किया कर दिया था, जिसका नाम था लेसन का नमक का दारोगा। अपन पिछला वाला थोड़ा सा मैं आपको रूपरेखा बता देती हूँ। अपने अभी तक जो पढ़ा है इस लेसन में, वह पढ़ा है कि किस तरह से जब वह जो लेखक है वह अपने घर से निकलते हैं तो उनके पिता उनको क्या क्या व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, और जो मुंशीधर हैं वो मुंशीधर अपने पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और रोजगार के लिए घर से निकल पड़ते हैं, और अच्छे शगुन से वो निकलते हैं, जिसके कारण से कि उनको फौरन से क्या मिल जाती है, नमक विभाग के अंदर दारोगा का पद मिल जाता है, जिस पद के लिए बड़े बड़े जो लोग हैं वह तरसते थे। जो वकील है उनका भी जी लग जाता था, और जो पटवारी का सर्व सम्मानित पद था उसको भी लोग छोड़कर इस पद को लेना, उस पद को ग्रहण करना चाहते थे। और ऐसा पद जिसमें वेतन तो था ही था और साथ में क्या थी, ऊपर की आमदनी का तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं था। तो इतना अपन पढ़ चुके थे, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ इसका है, जाड़े के दिन थे और रात का समय। जाड़ा यानी कि सर्दी का समय था, और क्या था, सर्दी का मौसम था और रात्रि का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के सिपाही, जो मैंने बताया ना नया विभाग बना था, तो उसके जो सिपाही थे और चौकीदार थे वे क्या थे, नशे में मस्त थे। अर्थात उन्होंने क्या कर रखी थी, यस, उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह कर रखी थी और वह नशे में मस्त थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि रात्रि में क्या हो रहा है। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी करीबन 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। बताया था ना मुंशी बंशीधर जो कि इस विभाग के अंदर दरोगा के पद पे थे, उनको मात्र कितना समय हुआ था आए हुए, 6 महीने हुए थे, खाली 6 महीने ही उनको यहाँ पर हुए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोहित कर लिया था। अब उनका जो व्यवहार था, व्यवहार क्या था, बहुत अच्छा व्यवहार था। तो उन्होंने अपने व्यवहार के कारण जो उच्च जो उनके अधिकारी थे, ऑफिसर वगैरह थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था कि लोग इनकी कार्यकुशलता से बहुत अधिक खुश थे। कार्यकुशलता यानी कि जो कार्य उनको दिया गया था उस कार्य से इनके जो अधिकारी थे बहुत अधिक प्रसन्न थे। अफसर लोग उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे। नमक के दफ्तर से करीबन 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना बहती थी यानी कि जमुना नदी बहती थी, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी उस जगह। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। क्या बना हुआ था, नावों का पुल बना हुआ था। कहाँ पर बना हुआ था, जमुना नदी पर। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, क्योंकि रात्रि का समय था। सारे सिपाही जो थे वह भी नशे की हालत में मदमस्त थे, और जो ये थे मुंशी बंशीधर वो भी क्या कर रहे थे, आराम से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अब क्या हुआ, अचानक इनके क्या हो गई, आँख खुली, तो आँख खुलने के बाद में उनको क्या महसूस हुआ कि जहाँ पर नदी की आवाज़ आनी चाहिए, कलकल की ध्वनि आनी चाहिए, तो कलकल की ध्वनि ना आकर, जमुना नदी की पानी की आवाज़ ना आकर किसकी आवाज़ आने लगी, बैलगाड़ियों की आवाज़ आने लगी, उनकी गड़गड़ाहट आने लगी, और मल्लाहों यानी कि जो बैलगाड़ी को हाँकते हैं उनको कहा जाता है मल्लाह, तो उनकी भी आवाज़ें उनको आने लगी कि वो गाड़ी को, क्योंकि उस समय बेटा बस रिक्शे तांगे इत्यादि तो थे नहीं, जो भी व्यापार होता था या कहीं पे भी जाना आना होता था यातायात के साधनों में बैलगाड़ी आई थी, तो बैलगाड़ियों की उनको आवाज़ सुनाई दी, और बैलगाड़ियाँ हाँकने वाले यानी मल्लाह की भी उनको आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात के गाड़ियाँ नदी पार क्यों जाती है, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, रात्रि है, अधरात्रि हो चुकी है, और अधरात्रि के समय गाड़ियाँ जा रही है तो नेचुरली बात है शक हो गई ना कि किसी को कहीं जाना है तो मॉर्निंग में जाएगा, सुबह के समय जाएगा, इस समय जाने का मतलब क्या है। तो उनको बड़ी बेचैनी हुई और उन्होंने लगा कुछ ना कुछ क्या है, गलत है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। फौरन से वह खड़े हो गए, क्योंकि बताया था ना वह अपनी कार्यकुशलता के अंदर
बहुत अधिक माने अपना नाम पहचान बना रखी थी, तो उन्होंने ये नहीं कि परवाह नहीं करी, कोई बात नहीं जा रही होगी गाड़ी अपन को क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से क्या किया, उठे, अपनी वर्दी पहनी, तमचा यानी कि बंदूक उन्होंने ली और घोड़े पर बैठकर फ़ौरन से कहाँ पहुँच गए, जहाँ पर ये आवाज़ आ रही थी, अर्थात जमुना के किनारे पहुँच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार करती दिखी। क्या दिखी? कि गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार थी, कतार यानी कि लाइन, जो कि क्या कर रही थी, नदी को पार कर रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? क्या पूछा उन्होंने कि भाई इतनी रात्रि के अंदर ये गाड़ियाँ है किसकी? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, सन्नाटा यानी कि किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आई, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, जो गाड़ी हाँक रहे थे ना उन लोगों में कानाफूसी हुई कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपदीन की। क्या कहा कि किसकी गाड़ियाँ? उन्होंने पूछा तो क्या बताया उन्होंने कि किसकी है? पंडित आलोपदीन की गाड़ियाँ हैं। पंडित आलोपदीन की? दारोगा जी के, वही दातागंज वाले कि जो दारोगा जी, उनको ताजुब हुआ कि दातागंज वाले आलोपदीन जी, जो कि इतना उनका मान सम्मान है, इतनी प्रतिष्ठा है, उन व्यक्ति की गाड़ी रात्रि में जा रही है, बड़ा ताजुब हुआ। तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा? मुंशी बंशीधर जी, चूँकि पंडित आलोपदीन जी इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे वो? इस जो इलाका था, जिस इलाके में उनकी दरोगा जी की पोस्टिंग हुई थी, वहाँ के क्या थे? बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत ही माने और मान सम्मान वाले। लाखों रुपए का लेन देन था, लाखों रुपए, उस समय लाखों रुपए सोचो क्या वैल्यू रखते होंगे, तो लाखों रुपए का लेन देन था। इधर छोटे से बड़ा कौन था जो उनका ऋणी ना हो? इनकी हर कोई व्यक्ति क्या था? इनका ऋणी था, किसी न किसी रूप में इन्होंने हर किसी पर क्या किया था? एहसान किया था। लाखों का व्यापार था, बहुत लंबा चौड़ा इनका व्यापार था। बड़े चलते फिरते आदमी थे, चलते फिरते यानी कि अपने कार्य को बड़ी आसानी से करवाने वाले और करने वाले थे। अंग्रेजी अफसर इलाके में शिकार खेलने आते और इनके मेहमान होते, 12 माह सदाव्रत चलता रहता। अब उस समय क्या था, ये जो कहानी लिखी गई है वो किस समय की है? जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की है ये। तो अंग्रेज़ जो अफसर थे, वह जब उस इलाके में आते तो क्या करते थे? मुंशी बंशीधर के मेहमान बनकर रहते और उनके घर के अंदर रहकर उनका मान सम्मान जो था वह बरकरार रहता था, और 12 माह सदाव्रत चलता रहता। सदाव्रत यानी हर सारे साल कोई ना कोई उनके आता जाता रहता, हमेशा कुछ ना कुछ उनके घर के अंदर चलता ही रहता था, क्योंकि वो प्रतिष्ठित और धनी परिवार के थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। क्या पूछा उन्होंने कि गाड़ियाँ भाई कहाँ जाएगी उनकी? तो उन्होंने पूछा, जवाब क्या मिला? कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि सन्नाटा छा गया। क्या सन्नाटा छा गया? कि गाड़ी में क्या है? दारोगा साहब को संदेह हुआ और वह कुछ आगे बढ़े। कुछ देर तक उत्तर की बात जोड़कर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हमने पूछा इसमें क्या लदा है। उन्होंने क्या पूछा? कि गाड़ियाँ तुम लेके जा रहे हो, कानपुर जा रही है, अभी तुमने बता दिया। इस जब उन्होंने क्वेश्चन किया क्या कि गाड़ियों में क्या है, तो किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वह स्वयं ही क्या हुए, नीचे उतरे और गाड़ियों को देखने लगे कि इसमें क्या लदा है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने घोड़े से नीचे उतरकर और बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया। वह नमक के क्या थे? ढेले। नमक के ढेले थे, अर्थात बताया था ना कि उस समय हमारे देश में नमक पर रोक लगा दी गई थी और लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे थे। तो जब उन्होंने देखा कि जो उसमें बोरों में जो है, जो बैलगाड़ियों में है, वह क्या है? नमक है। आप सोचिए उस समय वो यानी वो क्या कर रहे थे? नमक का चोरी छिपे कारोबार कर रहे थे, जो कि इतने प्रतिष्ठित और इतना बड़े व्यक्ति थे। बताया ना बेटा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, वह उतने ही ज़्यादा गलत कार्य करता है, क्योंकि लोग उस पर क्या नहीं करते, शक नहीं करते। तो ऐसे ही आलोपदीन जी थे, कि ऐसे कौन व्यक्ति सोचेगा कि वो व्यक्ति ऐसे इस तरह का कार्य कर सकता है, चोरी छिपे कानूनी यानी कानून को धोखा दे सकता है, लेकिन वो उन्होंने ऐसा किया। आगे देखिए क्या होता है। आलोपदीन जी अपने सजीले रथ में सवार कुछ सोते कुछ जागते आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। अब जो आलोपदीन जी है वह भी उन गाड़ियों में थे, एक गाड़ी के अंदर अपने रंगीले सजीला जो रथ था उस रथ पर
आधे सो रहे थे, आधे जाग रहे थे, मदमस्त थे और आराम से गाड़ी वाला गाड़ी हाँक रहा था। लेकिन जैसे ही दारोगा जी ने गाड़ियाँ रोकी तो एक व्यक्ति ने जाके उनको बोला कि दारोगा जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी है और आपको क्या कर रहे हैं, घाट पर खड़े बुला रहे हैं। घाट पर खड़े होकर अर्थात यमुना के तट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोकदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी, धन पैसा, तो उन पर किस पे विश्वास था उनको कि लक्ष्मी यानी कि पैसों पर उनको पूरा, बताया था ना पैसों का बहुत घमंड था उनको कि पैसों से मैं कोई भी वस्तु कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, तो उनको लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। कि भाई संसार को तो कहना ही क्या, संसार के लोग तो लक्ष्मी के पीछे भागेंगे धन संपदा के पीछे भागेंगे, स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में भी किसका स्थान है, सर्वोपरि लक्ष्मी का, लक्ष्मी ही का ही वहां पर क्या चलता है, स्वर्ग में राज चलता है। जब स्वर्ग में ही लक्ष्मी का राज चलता है तो संसार में क्यों नहीं चलेगा। उनका यह कहना यथार्थ भी ना था, अर्थात गलत भी नहीं था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। बताया था ना कि जब व्यक्ति क्या है, पैसों के और नीति के बल पर आकर क्या कर सकता है, न्याय को भी क्या कर देता है, अन्याय के रूप में बदल देता है। किस तरह से इस लेसन में ये सारी चीजें देखेंगे बेटा। इन्हें वह जैसा चाहती है वैसा न चाहती है। किसको, कौन, न्याय और नीति। न्याय नीति भी किसके खिलौने बताए गए हैं, लक्ष्मी के खिलौने बताए गए हैं कि जैसा वह चाहे वैसा वह क्या करती है, इन सबको नचाती है, अर्थात अपने ही हिसाब से इनको चलाती है। जो वो चाहे वो न्याय उनको आसानी से मिल जाता है। बेटा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं वह अगर कुछ गलत भी करते हैं तो अपने पैसों के बल पर क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं ना। हमारे ये देश की सबसे बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी हमारे देश की एक ये कमी है कि यहाँ पर क्या है कि सही व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिल पाता है। चलो देखते हैं इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं, यह कर पंडित जी ने बड़ी निश्चयता से पान के बीड़े लगा कर खाए। उनको पता था भाई मैं जाऊँगा और जो दरोगा है दरोगा का को क्या करूँगा, 2-4-5 हज़ार रुपये दे दूंगा और क्या कर लूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा और ये व्यापार है उस व्यापार को मैं बढ़ा लूँगा। तो उन्होंने बड़ी आराम से ही, उनको भी बताया ना उनको लक्ष्मी पर विश्वास था कि पैसों के बल पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कि उन्होंने आराम से क्या किया, पान का बीड़ा लगाया, आराम से उन्होंने खाया और खाकर और फिर वह किसके पास पहुँचे कि पान के बीड़े लगा के खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले, यानी कि लिहाफ वो होता है ना ऊनी जैसे कम्बल या वो जो ओढ़ते हैं उसे कहा जाता है, तो वह ओढ़कर उन्होंने, क्योंकि रात्रि का और ठंड का मौसम था ना, तो उन्होंने वह ओढ़ा और घाट पर पहुंच गए किसके पास में, बंशीधर के पास में जाके पूछे और बोले बाबूजी आशीर्वाद। क्या बोला उन्होंने, भाई बाबूजी आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी, हम तो ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि भई रात्रि का समय है और रात्रि के समय भैया ऐसे क्या बात हो गई कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक ली, और वह जाति से जो आलोकदीन थे वह क्या थे, ब्राह्मण थे, कि हम ब्राह्मणों पर तो क्या होनी चाहिए आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए कि आप तो हमें क्या करें, फौरन से जो भी हम कर रहे हैं वो हमें करने दें। तो बंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म, कि सरकारी हुक्म क्या है, जो मेरे जिस पद पर मैं हूँ उस पद पर क्या था कि वो दारोगा थे और उनको इस नव जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा था उस कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को क्या करना था, गिरफ्तार करना था। उन्होंने कहा भाई सरकारी जो हुक्म है उस पर क्या करूँ, आपने तो बोल दिया कि मैं आपकी कृपा दृष्टि आप मेरे अपनी कृपा दृष्टि बनाऊँ और आपको जाने दूँ, कहने का अभिप्राय उनका यही था। तो सरकारी जो हुक्म है जिस पद पर मेरे को प्रतिष्ठित किया गया है उसका मैं क्या करूँ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, कि हम तो ना तो सरकारी हुक्म को जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या हुक्म दे रही है और ना हम सरकार को जानते हैं, हमारी सरकार तो क्या है आप हैं, वो उसकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं कि हमारे तो क्या है सरकार आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो रहे हैं, आप व्यर्थ में इतना कष्ट उठा रहे हैं, यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवताओं को भेंट न चढ़ाएं।
आप बुलों ने क्या बोला, देखिए समझ में आई बात आपकी कि भई हम इस जमुना तट के इस घाट से निकल कर जा रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पर जो है वह आपका आपको दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से आपको बिना कुछ चढ़ावा दिए हुए बिना कुछ दिए हुए यहाँ से चले जाएं। अर्थात वह उनको रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। हम तो आपके स्वयं में स्वयं ही आ रहे थे। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, अर्थात उनको कोई मोह माया नहीं थी, उनको पैसों का कोई घमंड नहीं था, तो उनकी बातों का जो वंशीधर थे उनको और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कड़क का बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। उन्होंने क्या कहा, हम मेरे को ऐसा मत समझ लेना कि मैं आप थोड़ा बहुत मेरे को पैसा दोगे धन दोगे और मैं क्या कर दूंगा आपको घाट से जाने दूंगा, मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ। नमक हराम किसे कहते हैं, जो व्यक्ति जिसका नमक खाता है उसके साथ में उस गद्दारी करना है ना, उसे कहा जाता है कि भाई मैं गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ और मैं सरकार का नौकर हूँ, तो मैं सरकार के साथ में कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करूँगा। कि वे लोग वो और होंगे जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते होंगे, कि वह लोग और होंगे कि जो क्या करेंगे थोड़े से धन के कारण अपना ईमान अपना मान सम्मान बेच देते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कानून के अनुसार आपका चालान कटेगा, बस मुझे और अधिक बातें करने की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि भाई उनको बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं, चोरी छिपे कानून तोड़ रहे हैं, नमक का कारोबार कर रहे हैं, रात्रि के समय गाड़ियाँ घाट से लेकर जा रहे हैं, जो कि क्या है कानून का वो क्या ना उल्लंघन करना है, तो मैं आपको ऐसे इजाज़त नहीं दूंगा। आपकी गाड़ियां हैं तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, गिरफ्तार कर रहा हूँ। और अपने जो हवलदार था, उस हवलदार का नाम क्या था, बदलू सिंह, उसको हुक्म देते हैं कि तुम क्या करो इनको आलोद्दीन जी को गिरफ्तार कर लो। पंडित आलोद्दीन स्तंभित हो गए कि उनको बड़ा ताजुब हुआ कैसे कैसे, क्योंकि उनके जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। कोई भी उनको मिला उन्होंने क्या किया, अपने पैसों के बल पर उसको थोड़ी बहुत रिश्वत देकर और वहाँ से निकल गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि ये जो वंशीधर है वो उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे। गाड़ी वानों में हलचल होने लगी। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि उनके जीवन पे कि उनको इतने कड़े शब्द सुनने पड़ रहे थे, कि उनको इतनी कठोर बातें सुनने को मिल रही थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोब के मारे बस साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, कि उनका रोब और प्रतिष्ठा मान सम्मान वाले व्यक्ति थे, कि आलोद्दीन को गिरफ्तार करना उनके हथकड़े पहनाना बहुत बड़ी बात है। तो बदलू सिंह क्या करा, गया तो सही लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके हथकड़ी पहना सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए पहले कभी भी नहीं देखा था। देखिए बेटा बहुत अच्छी बात है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, धर्म को धन का अनादर, बेटा ये है ना, ये जो चीज़ है ना ये बेटा समझने वाली चीज़ है। देखिए इसके अंदर जो था ना, इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है कि जो आलोद्दीन थे उनको किस पर घमंड था, अपने धन ऐश्वर्य मान सम्मान धन पर घमंड था, और जो वंशीधर थे उन वंशीधर को किस बात पर घमंड था, अपनी ईमानदारी और अपने धर्म निष्ठा पर उनको घमंड था। तो पहला आलोद्दीन के जीवन में ऐसी पहली घटना ये है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उनों के आगे जो धर्म है वह क्या हो गया है, जीत रहा है, और धन जो है वह क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है। उनको उम्मीद नहीं थी कि भाई जो पंशीधर है वह उनको क्या कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। तो विचार किया, अब फिर भी उनके मन के अंदर ये था कि नहीं अभी तो ये क्या है, नया नया बालक आया है, तो ये मेरे को मेरी बात समझ नहीं रहा, इसको पैसों से मोह नहीं है। विचार किया कि यह बड़ा उद्दंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है, कि अभी मोह माया के जाल में वह नहीं पड़ा है पैसों इत्यादि का, क्योंकि अभी अभी नया नहीं तो ना जोश था, जवानी थी तो जोश था उनके अंदर, कि अल्लड़ है झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर तोड़े हैं। उन्होंने विनती करी, उन्होंने देखा कि भाई ये मान नहीं रहा, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, दीनता से बोले कि भाई हम आपसे बाहर तोड़े हैं, कैसे भी करके आप हमें क्या करिए, यहाँ से जाने दीजिए, अगर आपने हमें गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम
हमारा बहुत मान सम्मान है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो हमारी इज्जत क्या हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी। बंशीदंड ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते कि हमें कोई मतलब नहीं है तुम क्या हो क्या नहीं हो, हमारी नज़र में क्या है, सभी व्यक्ति एक समान है, हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है, जिन्होंने कानून तोड़ा है उसको दंड देना आवश्यक है। आलोक दीज ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने किसको चट्टान समझ रखा था, धन को, धन को मान रहे थे ना कि धन ही उनके लिए सब कुछ है, पैसों के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो जिसको उन्होंने चट्टान समझ रखा था वह देखा कि वह क्या हो गई है, अब खिसकती हुई सी मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, उनका स्वाभिमान भी डगमगा गया और जो धन था उस धन को भी उन्होंने ठुकरा दिया था, उनको विश्वास नहीं था ऐसा होने वाला है उनके साथ में, किंतु अभी भी धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा था, फिर भी उनको क्या था, यह विश्वास था कि अभी भी जो है बंशीधर मेरी बात मान जाएंगे, कि भाई ये उनको उनके दिमाग में क्या आई कि कम पैसों में नहीं, हर व्यक्ति की क्या होती है अपनी अपनी कीमत होती है, उन्होंने सोचा कि ये जो बंदा है ये जो दारोगा है वह कम पैसों में नहीं मानेगा, इसके लिए मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हो सकता है ज़्यादा पैसे दूंगा तो ये मान जाएगा, तो उन्होंने उनका अभी भी देखिए अभी भी आपको अपने जो धन है उस पर घमंड है, तो उन्होंने अपने मुखदार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे शेर हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, अपना जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को कहा कि लाला जी इनको क्या करो 1000 के नोट दो, जिससे कि ये हमें यहाँ से जाने दे, कि इस समय क्या हो रहे हैं भूखे शेर हो रहे हैं, कि ये क्या करना चाहते हैं, और अधिक बहुत अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। उन्होंने क्या कहा कि तुम 1000 की बात कर रहे हो, कि 1000 की नोट से मैं अपने पद से अपनी सरकार की जो ये नौकरी है इस नौकरी से गद्दारी करूंगा, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझको 1000 क्या 1,00,000 रुपये भी दोगे तो भी मैं अपने कर्तव्य से डिगने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुल जाया, उनको बहुत अधिक क्या हुआ, क्रोध आया कि ये क्या हो रहा है, धर्म की इस बुद्धिमत्ता दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर उनका मन भी बहुत झुल गया कि क्या हो रहा है ये। बंशीधर को गुस्सा आया कि यानी कि व्यक्ति धन के बल पर कुछ भी कर सकता है, यानी कि मेरे को खरीदने की चेष्टा कर रहा है, जबकि मैं क्या है इन मोह माया के जाल में, ये पैसों से उनको जरा भी क्या नहीं था, मोह नहीं था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, दोनों शक्तियां कौन सी, धर्म और धन वाली शक्ति, कि दोनों के बीच में संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा, संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा। युद्ध होने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है, देखिए धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना प्रारंभ किया, 1 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10 से 15 और 15 से 20 और नौबत आ पहुंचे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। आप जो आलोक दीन थे उन्होंने क्या किया कि भाई ये 1000 रुपये में नहीं मान रहा, तो उन्होंने क्या माना, क्या करा भाई 1000 के उन्होंने 5000 करे कि 5000 ले लो, फिर उन्होंने कहा 10000 ले लो, 15000 ले लो, और लास्ट में उन्होंने कितने बोले 20,000 रुपये, कि 20,000 रुपये तुम ले लो और मेरे को यहाँ से क्या करो, जाने दो, मेरे को गिरफ्तार मत करो, नहीं तो मेरा मान सम्मान को बहुत अधिक चोट पहुँचेगी और मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। आलोकदीन लास्ट में निराश हो गए, निराश होकर बोला कि इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या हो गए, हार गए कि भाई कहाँ वो, कहाँ तो वो 200-400 रुपये के अंदर ही व्यक्ति को पैसा देते और उधार से पार हो जाते, और कहाँ वो 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो भी बंशीधर अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे, तो फिर उन्होंने लास्ट में कह दिया कि नहीं अब मेरे इससे आगे मेरी बस की बात नहीं है, इससे अधिक मैं पैसा तुम्हें नहीं दे सकता। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह, तो बदलू सिंह डरता हुआ आया और गुस्सा आया उसको कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, 20,000 रुपये दे रहे हैं और 20,000 रुपये नहीं ले रहा, सिर्फ किस लिए दे रहे हैं कि घाट से उनको जाने दे, कौन देख रहा है रात्रि में। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और उसको आदेश दिया, तो मन ही मन वो दारोगा जी को क्या करने लगा, गालियां देने लगा, गुस्सा करने लगा और आलोकदीन की तरफ बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे उड़ गए। आलोकदीन के जीवन में पहली घटना थी कि उनको इस तरह की कटु बातें और एक पहली बार उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तो वह घबरा कर क्या हो गए, 2-3 कदम पीछे हटे।
अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर दया तो करो, आप क्या कर रहे हैं, मेरे तो मान सम्मान पर ठेस पहुँचेगी, मेरा तो बहुत मेरी प्रतिष्ठा धूमित हो जाएगी, तो भाई कोई बात नहीं, आप 20,000 नहीं, चलो 25,000 ले लो, असंभव बात है, 30,000 पर असंभव, क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40,00,000 भाई असंभव है। उन्होंने क्या कहा, यानी लास्ट में आलोदी ने कितने का उनको दिया, 40,000। उस समय 40,000 रुपये सोचो कितनी बड़ी बात है, आज के तो हमारे 1 करोड़ मान लो, और उस समय के 40,000 बहुत बड़ी रकम थी उस समय, जैसे हम अंग्रेजों का आधिपत्य था, सोचो 40,000 पर भी वो बंदा अपने धर्म से अविचलित नहीं हुआ, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं तुमने गलत कार्य किया है, गैर कानूनी काम किया है, बदलू सिंह उस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। और उन्होंने अपने जो हवलदार था उसको क्या हुक्म दिया बंशीधर ने कि फौरन से क्या करो, आलोकदीन जी को गिरफ्तार कर लो, अब मैं इसकी इतनी बकवास या इतनी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ, अब मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, जो धर्म था वो धर्म की क्या हुई थी उस समय, जीत हुई थी, और जो धन था वह क्या हो गया था, पराजित हो गया था। हुआ था ना कि बंशीधर ने उसका कहना नहीं माना, अपने धर्म पर अड़िग रहे और उन्होंने धन को ठुकरा दिया। आलोकदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे, इसके बाद वे एकाएक क्या हो गए, मूर्छित हो गए। अब क्या हुआ कि जब जो थे बंशीधर जी उनके गिरफ्तारी का जब उन्होंने हुक्म दे दिया, और जो बदलू सिंह था वह उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, तो क्या हो गया, आलोकदीन के जीवन में पहली घटना थी कि ऐसा उनके साथ में हो रहा था, तो वह क्या हो गए, एक तरीके से बेहोश हो गए, मुर्शिद से हो गए कि ऐसा कैसा उनके साथ में हो रहा है। ओके बेटा, आगे हम इसको कल पढ़ेंगे, बहुत प्यारा लेसन है, तो आपको क्या करना है, इस लेसन को होमवर्क के अंदर बता देती हूँ, आपको इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस बात को अच्छी तरह से समझना है, बीच बीच के अंदर जो टॉपिक जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को और समझकर और अपने कॉपी के अंदर करना है। 2-3 इसके अंदर व्याख्याएं आपको करनी है, पहली आपको व्याख्या करनी है, आलोकदीन ने जिस सारे को चट्टान समझ रखा था यहाँ से लगाकर आप भूखे शेर हो रहे हैं। दूसरी आपको व्याख्या करनी है, धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता से अविचलित खड़ा था। ये 2 व्याख्याएं आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।